हेलो दोस्तों, अशोक IT3 में आपका फिर स्वागत है। मेरा नाम है अशोक। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने नजदीकी डाकघर से आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवा के लाए हैं और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको समस्या हो रही है कि आप उसको कैसे यूज करें दोस्तों, तो इसके लिए हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। आप बिल्कुल पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा, इससे आप सभी चीजें आप सही तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। तो जब आप अकाउंट ओपन करा के लाए होंगे तो आपको एक ऐसा कार्ड मिला होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इसमें आपको एक कस्टमर आईडी लिखी होगी, नाम लिखा होगा और अकाउंट नंबर लिखा होगा दोस्तों। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों इसको आपको कैसे यूज करना है, तो आप बिल्कुल परेशान हो। हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही बताएंगे, आप बिल्कुल पूरा फुल वीडियो देखेगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए ऐप के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कर लिए हैं दोस्तों। प्ले स्टोर में एक ऐप सर्च करिएगा, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे IPPB आप सर्च करेंगे, सर्च होके एक ऐप आएगा, IPPB मोबाइल बैंकिंग दोस्तों। ये ऐप आएगा तो इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा दोस्तों, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, अब आपको सिंपली इसको ओपन करना है। तो ओपन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे परमिशन आपसे मांग रहा है तो परमिशन अलाउ कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, लोकेशन की परमिशन भी यहाँ पे अलाउ कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन है लॉग इन नाउ और दूसरा नीचे योर अकाउंट नाउ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ से ओपन भी अपना अकाउंट कर सकते हैं बिना आपको डाकघर जाए हुए दोस्तों, बिना आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच जाए हुए आप अपने घर बैठे से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले से ओपन करवा के ले आए हैं अकाउंट, तो आप यहीं से सिंपली आपको लॉग इन करना है। तो लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे, अकाउंट नंबर मिलेगा, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। यहाँ पे ये चार डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। जैसे कि ये हमारा अकाउंट नंबर हम यहाँ पे अपना एंटर कर दे रहे हैं। ये यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। फिर नीचे आपका कस्टमर आईडी का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको एक कस्टमर आईडी दिया गया होगा जो आपके कार्ड पे ही लिख के दिया गया होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है दोस्तों। यहाँ पे कस्टमर आईडी एंटर कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, जो आपकी आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है सेम वही एंटर करनी है। अगर गलत डिटेल होगी, कोई भी मिसमैच डिटेल होगी, तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो सारी डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करिएगा दोस्तों। यहाँ पे DOB अपनी एंटर कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों DOB डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करिएगा, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन करवा के लाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। ये दोस्तों डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन लिखा हुआ है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके आपसे एक पिन मांग रहा है MPIN, तो आप चार नंबर का कोई भी डिफॉल्ट MPIN एंटर कर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 2356 एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी कन्फर्म, नीचे री एंटर MPIN पे भी कन्फर्म के लिए सेम वही जो ऊपर आप एंटर किए हैं सेम नीचे क्लिक करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एंटर करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप ऐसी जगह पे क्लिक करिएगा जहाँ पे जगह हो, जहाँ पे स्पेस हो। जैसे ही आपका ये कीपैड बैक चला जाए, कीपैड आपका बैक चला जाएगा, तो ये नीचे का ऑप्शन जो सेट MPIN है, ये ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों सेट MPIN पे क्लिक करिएगा। जैसे सेट MPIN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ रहा है, लिख के आया हुआ है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ हुआ है उस जगह का नाम एंटर करिए। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, ये अभी जल्दी ही अपडेट हुआ है, इसके पहले ये नहीं था। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, इससे कि आपका अकाउंट हमेशा सिक्योर रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना प्लेस एंटर कर दीजिएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू हैव अटेंड, यानी कि फर्स्ट टाइम आप अपना स्कूल, जो अपना स्कूल ज्वाइन किए थे, जो अटेंड किए थे, वो कहाँ किए थे, वो अपने स्कूल का नाम एंटर करिएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, आप अपने फेवरेट जो आपका खास फ्रेंड हो, आप अपने खास फ्रेंड का नाम डालिएगा तीसरे वाले ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स है, यहाँ पे आपसे चौथे ऑप्शन में मांग रहा है कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो फेवरेट टीचर का नाम डाल दीजिएगा चौथे में फ्रेंड्स। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपसे एक परमिशन और मांगेगा, इसको भी अलाउ कर देना है। ये अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपके फोन में एक OTP आएगा जो आपको एंटर करनी होगी। तो अगर आपका सिम उसी फोन में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपकी OTP ले लेगा। और फ्रेंड्स ये हमारी ID लॉगिन हो चुकी है, हमारी ID जनरेट हो चुकी है, बन चुकी है। अब सिर्फ लॉगिन करना है पासवर्ड से। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पिन बनाया हुआ था फ्रेंड्स वही पिन एंटर करिएगा और आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने 2356 अपना पिन बनाया था, जैसे ही 2356 अपना पिन एंटर करेंगे फ्रेंड्स,
वैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगे, यहाँ से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा विद इन आईबीपी अदर बैंक्स मोर, बहुत सारी सर्विस मिल जाएंगी। सेंड मनी का आपको फीचर मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, रिक्वेस्ट मनी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सो QR कोड, बहुत सारी डिटेल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अगर आप यहीं अपना अकाउंट अपने अदर बैंक में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे एक ऑप्शन है यहाँ पे डेबिट कार्ड का दोस्तों, इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन होता है, आप इससे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी A to Z किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपको यहीं से आप अपना डेबिट कार्ड ओपन कर सकते हैं, तो ओपन करने के लिए डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड की डिटेल्स शो हो जाएंगी, लेकिन फुल डिटेल्स आपकी शो नहीं होंगी, तो व्यू कार्ड डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे वही पिन मांगेगा जो आपने पिन बना रखा है फ्रेंड्स, तो 2356 आप जैसे पिन एंटर करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये हमने पहले से ओपन किया हुआ था, इसलिए इसमें एक और स्टेप आता है, वो नहीं मांग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप फर्स्ट टाइम इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को ओपन करते हैं तो इसमें ₹25 का चार्ज का आपको इसमें नोटिफिकेशन आता है और ₹25 कटता है, सिर्फ वन टाइम के लिए, बार बार नहीं कटता फ्रेंड्स। तो आप इस डेबिट कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब जब आप UPI बनाएंगे तो UPI में आपका एक पिन बनेगा, तो यही वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका काम आएगा फ्रेंड्स। दोस्तों इसमें और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि सेंड मनी का, इसमें आप डायरेक्ट UPI से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, QR कोड पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों सेंड मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी ऑप्शंस आपको ओपन होके आ रहे हैं और आपको शो होगा कि क्या कहाँ किस किस माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है कॉन्टैक्ट, भीम, UPI और अकाउंट नंबर, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे टॉप में ही ऑप्शन है स्कैन QR कोड, तो आप स्कैन करके भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इसमें हर जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे हर बार आपको OTP फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों भीम UPI पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मांग रहा है कि आप किस UPI पे आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो अभी हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे, अपना एक UPI एंटर करेंगे फ्रेंड्स, अपना यहाँ पे UPI एंटर कर रहे हैं फ्रेंड। जैसे UPI आप एंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी अगर UPI सही होगी तो वेरीफाई हो जाएगी, जिस नाम से आपका UPI होगा वो नाम आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि ये UPI मैंने डाली हुई है तो धर्मेश कुमार के नाम से ये UPI है। फिर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि आप कितने रुपए भेजना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मान लिया कि यहाँ पे अभी हमको ₹50 भेजने हैं, तो यहाँ पे 50 पे क्लिक, ₹50 एंटर करेंगे, यहाँ पे रिमार्क जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और रिमार्क अगर आप मेंशन कर देते हैं तो कभी भी अपनी पासबुक अगर एंट्री कराएंगे तो उसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने ये बैलेंस किसको भेजा है और किसको नहीं, क्या और किस रीजन से भेजा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको सारी डिटेल्स फिल होके आ जाएंगी और फिर से आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो फिर से कंफर्म पे क्लिक करेगा फ्रेंड्स। जैसे कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन में आपसे OTP मांगेगा फ्रेंड्स, तो OTP आएगी और उसको आपको फिल करना है, ये वाले OTP आपकी ऑटोमेटिक फिल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे OTP फिल करेंगे फ्रेंड्स, OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, अगर आप इस डिटेल को सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत ही सिक्योर सिस्टम है फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसलिए गलती नहीं होगी क्योंकि हर स्टेप पे यानी जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे फ्रेंड्स उसमें आपसे OTP मांगेगा, तो हर ट्रांजेक्शन पे आप जैसे OTP डालेंगे तो सिंपल सा है कि टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा, आप उसको क्लियरली आराम से डालेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।